नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मणिरत्नम सर की आने वाली मेगा बजट फिल्म PS1 जिसका बजट करीब 500 करोड़ रुपए है, 30 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा है, फिल्म का क्रेज बहुत ज्यादा है। दरअसल ये एक पीरियड फिल्म है जो 10th सेंचुरी में बेस्ड है। चोला साम्राज्य जो भारत का महान साम्राज्य हुआ है, करीब 15 वर्षों तक उन्होंने देश पर शासन किया है, उसके ऊपर ये बेस्ड है फिल्म। और राव राजा चोला सन ऑफ कावेरी जिसका जो किरदार है वो विक्रम निभा रहे हैं, साउथ के सुपरस्टार। इसके अलावा फिल्म की स्टार कास्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन शामिल है जिनका डबल रोल है, राजकुमारी नंदिनी के रोल में भी वो नजर आने वाली है। और दोस्तों, इसके अलावा कार्ती है, जयराम रवि है, त्रिशा है, कई तरह के मतलब काफी अच्छी अच्छी कास्टिंग फिल्म में की गई है। फिल्म के विजुअल्स बहुत बेहतरीन है, जैसा कि आपने टीजर में देखा होगा कि फिल्म के जो विजुअल्स है बहुत ही बेहतरीन है और जो सिनेमाटोग्राफी है वर्ल्ड क्लास है। साथ ही दोस्तों, VFX का भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म में मतलब इस्तेमाल किया है। मणिरत्नम सर ने बहुत ही मेहनत से ये फिल्म बनाई है, करीब 5-7 वर्षों से वो इस फिल्म पर काम कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, ये फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के एक नॉवल पर आधारित है और चोल साम्राज्य के ऊपर ये फिल्म आधारित है, तो काफी नया सब्जेक्ट है, पीरियड फिल्म है। इस फिल्म का कले से एक बहुत बड़ी फिल्म 30 सितंबर को रिलीज हो रही है, विक्रम वेदा, जिसमें ऋतिक रोशन तथा सैफ अली खान प्रमुख भूमिका में, उससे होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये देने जा रहा हूँ कि इस फिल्म की जो हिंदी राइट्स है वो सेल कर दिए गए हैं, बेच दिए गए हैं। अब मरुधर एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदे हैं और मात्र 7.50 करोड़ रुपीज में इसके हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स बिके हैं। इसका मतलब अगर हिंदी में ये फिल्म करीब 10 करोड़ से ज्यादा का भी कलेक्शन कर लेती है तो फिल्म हिट हो जाएगी। दोस्तों, ये काफी अच्छी खबर है, काफी बड़ी खबर है, क्योंकि इतना कलेक्शन तो हिंदी से इसका आना ही है, काफी ज्यादा कलेक्शन आने की उम्मीद इस फिल्म से की जा रही है। 5 भाषाओं में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम तथा हिंदी भाषा में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। तो आज के वीडियो के लिए मुख्य खबर यही है कि इस फिल्म के हिंदी राइट्स है वो बेचे जा चुके हैं। मरुधर एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स, हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीद ली है, 7.5 करोड़ रुपए में ये राइट्स खरीदे गए हैं और फिल्म को हिंदी वर्जन में हिट होने के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करना होगा, जो बहुत ही आसान नजर आ रहा है। तो इससे लगता है कि PS1 तो रिलीज से पहले ही हिंदी में तो हिट हो चुकी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।